हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेलाल की नेक्स्ट कॉमिक्स, बाकेलाल कंकाल लोक में। चलिए शुरू करते हैं बाकेलाल कंकाल लोक में। बाकेलाल अपनी शरारतों से जिसने भगवान शंकर को भी क्रोधित कर दिया, भगवान शंकर के शाप के कारण वह जिस किसी का भी बुरा करने की सोचता उसका हो जाता भला। लेकिन कंकड़ बाबा के शाप के कारण बाकेलाल और विक्रम सिंह 84 लाख योनियों को भुगतने के लिए विवश हो गए। बाकेलाल राक्षस लोक से एकाएक ही गायब होकर ये हम कहाँ आ पहुँचे हैं? बुहू बुहू, पता नहीं महाराज कि राक्षस लोक से निकलकर अब हम किस योनि में प्रवेश करेंगे। सहसा राजा विक्रम सिंह की निगाहें पड़ी वृक्षों पर लगे पके और रसीले फलों पर। बाकेलाल, पता नहीं अगली योनियों में ऐसे पके रसीले फल खाने को मिले या ना मिले। इन्हें देखकर मेरे तो मुंह में पानी भर आया है। फल देखकर तो मेरी भी जी ललचा उठा है महाराज। तब फिर देख देर कैसी बाकेलाल, आओ फल खाए। लेकिन यह क्या, दोनों के कदम आगे बढ़ाते ही वृक्ष भी हो गया उतना ही पीछे। दोनों पुनः आगे बढ़े, वृक्ष पुनः पीछे हट गया। बाकेलाल, यह कैसा तिलिस्म है? महाराज, अब तो इन फलों को खाने की इच्छा और भी तीव्र हो उठी है मेरी, और मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। फिर तो दोनों वृक्ष के पीछे पीछे और वृक्ष दोनों के आगे आगे शीघ्र ही। बस बाकेलाल, अब मुझसे एक भी कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। बुहू बुहू, यह सब इस मुच्छड़ के ही कारण हो रहा है। ना फलों पर इसकी गिद्ध दृष्टि पड़ती और ना इन्हें देखकर मेरा भी मन इन्हें खाने को ललचाता। तभी यह फल तुम्हारे लिए है? और फल वाले के हाथ की ओर निगाहें जाते ही बाकेलाल, फल खाओगे? ही फल वाले के चेहरे की निगाह जाते ही इस बार तो रोंगटे ही खड़े हो गए दोनों के। बहु बहु, बिना सिर का भूत? ही भूत लोक है क्या यह? अब मैं इस मूछ वाले मर गया और इस चोटी वाले को दिखाता हूँ एक जादू। बुरा हो कंबक उस कंकड़ वाले बाबा का, कहाँ फंसा दिया मुझे भले मानस को इस वन मानुष के साथ। लाओ भाई, अब फल नहीं खाना, जब फल नहीं खाना तो क्यों ना वापस कष्ट दो। ही इस बार तो विक्रम सिंह गिरते गिरते ही बचा। यह क्या, कटा हुआ सिर? महाराज फेंक दीजिए इसे, यह मेरा सिर है भाई। थोड़ी देर पहले फल के रूप में पेड़ पर लटक रहा था। ही बाकेलाल के मुंह से भी निकल गई चीख। ये देखो, ये रखा मैंने सिर अपने सिर के स्थान पर। मुझे कहते हैं सिरकट और मैं हूं कंकाल लोक का चौकीदार। सिरकटा, कंकाल लोक? तो क्या हम कंकाल लोक में हैं? संसार के सारे पापी केवल इसी लोक में आते हैं। ठीक इसी पल विक्रम सिंह की निगाहें पड़ी बाके के हाथों पर। बाकेलाल, तुम्हारे हाथ क्या हुआ मेरे हाथों को? मांस कहाँ गया मेरे हाथों का? महाराज आपके हाथ? मेरे हाथ भी हो गए कंकाल जैसे। कंकाल लोक में आकर हमारे शरीर कंकालों में बदल गए हैं महाराज। यह क्या हो रहा है बाकेलाल? तभी गूंज उठा जंगल एक भयानक धार से, ग्रर, वापरे शेर भागो। शेर? विक्रम सिंह की तलवार आ गई उनके हाथों में। हमने न जाने कितने ही शेरों के सिर काटकर अपने शयन कक्ष की दीवारों की शोभा बढ़ा रखे हैं। मगर महाराज, यह शेर तो शेर को सामने देखते ही राजा विक्रम सिंह के पसीने छूट गए। ये कैसा शेर है बाकेलाल? कंकाल लोक के शेर ऐसे ही होते होंगे महाराज। ओह, ये तो वही है मेरा पुराना दुश्मन विक्रम सिंह। ही विशाल गढ़ के इंसानों का नरम नरम मांस और गरम गरम लहू इसी की तलवार ने छीना था मुझसे। गुर्र, आज आया है ये मेरे पंजे में। ही सुड़ अब इनकी हड्डियां चबा जाऊंगा। सुड़ ही बाकेलाल बचाओ।
अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा यह मुच्छड़ सिंह। धक्का देता हूं कमबख्त को पीछे। बाकेलाल ने विक्रम सिंह को पीछे धकेल दिया और खुद भी दूर जा पड़ा। जबकि दोनों पर छलांग लगा चुका शेर गिरा नीचे। उई मर गया मैं, उफ धम आ। शेर को उठने का मौका ही नहीं मिला। यह क्या लिपट गया मुझसे सूंड सा। बहू बाप रे हाथी, अब गया तू बेटे शेर, हो गई तेरी शेरनी विधवा। महाराज हाथी ही, ही, ही। मैं भी इसी राजा का हाथी था, नाम था मेरा हीरा। अपने पांव तले सैकड़ों को कुचला है मैंने। उफ, अगर ये हाथी समय पर ना पहुंच जाता तो अब तू भी नहीं बचने का। वो तो मैं तुझे देखते ही समझ गया था। बुहु, बुहु। कंकाल हाथी ने शेर को मार डाला है महाराज, पर हम बच गए, मर गए। ये हाथी तो हमारी ओर आ रहा है। बाकेलाल, ये हमें भी अपने पांव तले कुचल डालेगा। भागने का तो समय ही नहीं था। ये तो सूंड हटाकर हमें प्रणाम कर रहा है महाराज। वाह, इस हाथी का ये अंदाज तो बिल्कुल हमारे स्वर्गवासी हाथी हीरा से मिलता जुलता है। मैं वही तो हूँ, आज से मैं इसे हीरा कहकर पुकारूंगा। क्यों हीरा, तुम्हें हमारी मित्रता स्वीकार है ना? इसे स्वीकार है महाराज। क्रिया, अब ये हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रहा है। वाह क्रिया, दोनों उसकी पीठ पर सवार होकर चल पड़े। ये कंकाल लोग तो बड़ा विचित्र है बाकेलाल। हाँ महाराज, आपसे भी ज्यादा विचित्र। ही। उन्हीं दिनों कंकाल लोग की दो बस्तियों कुकुरमिता और म्याऊ कमुता में दुश्मनी छिड़ी हुई थी। मारो मारो, काट डालो सिर इन सब के, मारो मारो। आह, तेरा सिर महाराज आतिरनाद को भेंट में दूंगा। खचाक, मारो मारो। कुकुरमुता दल के लोग म्याऊ मुत्ता से अधिक शक्तिशाली थे और उनका प्रिय आहार था म्याऊ मुत्ता का ताजा दिमाग। चपर 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 चपर, वाह मजा आ गया दिमाग खाकर। कुकुर मुत्तों के आक्रमणों से घबराकर म्याऊ मुत्ते गए अपने गुरु लठ कपाल की शरण में। हमारी रक्षा करे गुरुवर। ओह, गुरु लठ कपाल ने की अपने इष्ट देव की आराधना। इष्ट देव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। वर मांगो पुत्र, म्याऊ मुत्तों की रक्षा कीजिए भगवान, इन्हें कुकुर मुत्तों से बचाइए। म्याऊ मुत्तों के स्वादिष्ट व तेज दिमाग को खाने के लिए ही कुकुर मुत्ते रात्रि में घात लगाकर उन पर आक्रमण करते हैं। आज से म्याऊ मुत्ते रात्रि को अपना सिर उतारकर फनों के रूप में पेड़ों पर टांग सकेंगे और जब उन चाहे उन्हें उतारकर वापस भी लगा सकेंगे। इस प्रकार बिना सिर के म्याऊ मुत्तों को कुकुर मुत्ते कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। हाँ, दिन में उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इतना कहने के साथ ही इष्ट देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार म्याऊ मुत्ता दल के लोग कुकुर मुत्तों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो गए थे। वह विचित्र हाथी राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल को लेकर पहुंचा म्याऊ मुत्तों की बस्ती में। बाकेलाल, यह हाथी हमें कहाँ ले आया है? राजा मेघनाथ ने भी देखा वह दृश्य। ये कंकालू किन लोगों को लेकर आ रहा है यहाँ? महाराज, ये दोनों तो वही हैं। इनसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। ये शायद अपनी बस्ती की राह भूलकर यहाँ आ पहुंचे हैं। ओहो सिरकटा, इस कंबख्त के कारण मेरी टांगे अभी तक दर्द कर रही हैं। तब तक कंकालू उर्फ हीरा नीचे बैठ चुका था। बाकेलाल, ये तो मित्र लगते हैं, इन्हें अपना परिचय दे देना चाहिए। तब तक राजा मेघनाद आगे बढ़कर बोला, कंकालू तुम्हें यहाँ लेकर आया है, इसका मतलब कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। मैं इस बस्ती म्याऊ मुत्ते का राजा मेघनाद हूँ। तब राजा विक्रम ने भी अपना और बाकेलाल का परिचय दिया। सहसा बाकेलाल को कुछ याद आया और वह बोला, महाराज मैं अभी तक एक रहस्य नहीं समझ सका कि हमारे आगे बढ़ते ही फलों का वृक्ष हमसे दूर क्यों भाग रहा था।
ओ हा। अगर ऐसा ना होता तो तुम वह फल तोड़कर खा लेते, और ना जाने हम में से वह किसका सिर होता। मेघनाथ ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई, फिर बोला, कल से देव पूजा आरंभ होगी, जिसके बाद हम 4 साल से सो रहे अपने भाई सिंहनाथ को जगाएंगे। वहां मैं भी देखूंगा कि सिंहनाथ को कैसे जगाते हैं। कमाल का होगा यह सिंहनाथ भी। राजा मेघनाथ ने आदेश दिया, सिरकट इन दोनों के आतिथ्य सत्कार में कोई कमी ना आने पाए। जो आज्ञा महाराज। मेघनाथ के जाते ही बस्ती के बहुत से म्याऊं मुत्तों ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। वाह, ऐसी मूछें तो एक भी म्याऊं मुत्ते की नहीं है। उई, मेरी मूछ, और जरा इसकी तो देखो, ही, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही इसकी मूछें देखकर। सोते में चूहे कुतर गए होंगे बाकेलाल जी की मूछों के बाल, ही। और बस बाकेलाल की शैतान खोपड़ी क्रोध से कांप उठी। अगर अपनी इस बेइज्जती का बदला न लिया तो बाकेलाल मेरा नाम नहीं, और फिर यह शीतल पेय आपकी सारी थकान पल भर में दूर कर देगा। प्यारे अतिथिगण, शीतल पेय? वाह, प्यास तो मुझे भी लग रही है। दोनों ने एक एक गिलास उठाकर होठों से लगा लिया। बड़ा अजीब सा स्वाद है इसका। वाह, आनंद आ गया। क्यों नहीं आएगा, कंकाल लोक के सबसे स्वादिष्ट व हष्ट पुष्ट चूहों का अर्क था ये। चूहों का अर्क? अगले ही पल दोनों के पेट में पहुंच चुका सारा अर्क बाहर आ गया। ऊ क्या बू, ये क्या पिला दिया कमबख्तों ने। बू, बाकेलाल से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ने। फिर आरंभ हुई देव पूजा। मेरे पेट में तो अभी तक गुड़गुड़ रहा है चूहों का अर्क। भू, देव पूजा के बाद म्याऊं मुत्ता दल राजा मेघनाथ के नेतृत्व में चल पड़ा उस घाटी की ओर। पं पं पं, ढम ढमा ढम, ढम ढमा ढम, पं पं। मेरे भाई सिंहनाथ को उठाने के लिए भोंपू वे नगाड़े बजाओ। पिछले 4 बरस से सो रहा है ये, क्योंकि बाकेलाल से इसका पालन नहीं पड़ा अभी। अगर मैं झाड़ू की एक सींक इसकी नाक में डाल दूं तो इसका बाप भी नरक में पड़ा उठ जाएगा। पर मुझे क्या पड़ी है। नगाड़ों से झंझना उठे बाकेलाल और विक्रम सिंह के कान। ढम ढमा ढम, पं पं पं। उफ, मेरे तो कान के पर्दे फट जाएंगे। ही। मुझे तो इसकी मुझे देखकर ही मजा आ रहा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये मजेदार कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।